बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं और एनसीबी क्विक पे का अकाउंट ओपन किया हुआ है, आज की वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी एनसीबी का अकाउंट ओपन किया है, जब से आपका हर 2-3 महीने के बाद अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो जाता है और आप परेशान होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका अकाउंट कब फ्रीज़ होना है या कब फ्रीज़ हो जाएगा। आप इसी टेंशन में रहते हैं कि हम इस बार पैसे भेज दें कहीं हमारा अकाउंट फ्रीज़ ना हो जाए, हम अगले महीने भेज देंगे कहीं हमारा अकाउंट फ्रीज़ ना हो जाए, यानी आपको पता ही नहीं होता कि आपका अकाउंट कब फ्रीज़ हो जाना होता है। तो उसका हल जो है वो SNB यानी क्विक पे ने खुद ही बता दिया है कि आपका अकाउंट कब ब्लॉक होगा। लेकिन इसके लिए भी आपको चंद एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो क्या चीज़ें हैं और SNB यानी कि NCB बैंक ने उसकी क्या नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। किस वजह से होता है? अगर तो आप अपने अकाउंट से जो है 3 महीने तक अपने मुल्क में पैसा नहीं भेजते तो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है। लेकिन आपको नहीं पता होता कि क्या आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है, डियर क्विक पे कस्टमर, टू अवॉइड फ्रीजिंग योर मेंबर्स ड्यू टू नॉट यूजिंग ट्रांसफ़र सर्विस, काइंडली ट्रांसफ़र विद इन 30 डेज़। आपको कुछ इस तरह से मैसेज रिसीव होगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। जब भी आपको ये मैसेज मिले तभी आप एक बार पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करें ताकि आपका अकाउंट फ्रीज़ ना हो। जब भी आपको मैसेज मिलेगा, जैसे कि उन्होंने बता दिया है कि 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, तो आपको जो है कि 30 दिन से पहले पहले आपने एक बार पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर लेने, चाहे 100 रियाल कर लो, 200 रियाल कर लो, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। क्योंकि काफ़ी भाइयों को नहीं पता होता कि उन्होंने लास्ट बार कब भेजे थे, पता नहीं उनका अकाउंट फ्रीज़ होगा नहीं, कब होगा। तो जब भी आपको ये मैसेज मिल जाए तो समझिएगा कि 1 महीने के बाद आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। जल्दी से आप जो है वो एक बार में 200 रियाल या 100 रियाल भेज दीजिए ताकि आपका अकाउंट फ्रीज़ होने से बच जाए। ये SMS आपको भी आया करेगा, आप इस मैसेज को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका अकाउंट कब फ्रीज़ होगा। अकाउंट जब भी फ्रीज़ हो जाता है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने जिस NCB बैंक की एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाकर जो है वहाँ से ही एप्लीकेशन से अपने घर बैठे मोबाइल से ही पैसे जो है वो अपने मुल्क में 100-200 रियाल ट्रांसफ़र कर दें, तो आपका अकाउंट उसी टाइम काम करना शुरू कर देगा, आपका ATM कार्ड भी काम करना शुरू कर देगा। SNB में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर किसी भाई को हेल्प चाहिए होती है यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह या कुछ चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको समझने के लिए कैसे बनाना है, हेल्प चाहिए होती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जहाँ तक मुमकिन हो सकेगी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।